आप समुद्र साइड गाइस, बहुत दिनों से कुछ लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं एक अपना शॉप टूर दे दूं, लेकिन सच्ची बताऊं तो अभी शॉप का हालत जो है वो टूर देने लायक है नहीं, अदरवाइज मैं दे देता। तो फिर भी मैं आज आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं दिखाता हूँ, और अगर आपके पास बजट कम है, आप एक गाँव में, कस्बे में या फिर एक टाउन एरिया में एक शॉप खोलने जा रहे हो, तो कम बजट में आप किस तरह से एक सुपरमार्केट या फिर मॉल जैसा अपने शॉप को सजा सकते हो, मेरे अंदर जो टिप्स हैं, मैंने जो फॉलो किया है वो आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जितने भी रैक यूज़ कर रहे हैं या फिर रैक हम लोगों ने बनवाया है, ये कोई रेडीमेड रैक्स नहीं थे, तो रैक जितने भी बनवाए ये प्लाई यूज़ किया है, और बीच में हम लोग वो जो प्लाई लगाते हैं उसे हम लोग अवॉइड किया है, ताकि वो देखो वहाँ पे एंगल दिख रहा है, हम लोग एंगल का सहारा लेके उसे हटाया, ताकि जो लुक है, जो थोड़ा वो एक सुपरमार्केट जैसा या फिर छोटा मोटा डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा लगे, इसलिए हम लोगों ने रैक यूज़ किया है। और इधर देखो जो दीवार में आप बीच में जो दीवार देख रहे हो अंदर, वो दीवार में हम लोग कोई भी पेंट भी नहीं किया था, सिर्फ पुट्टी करके छोड़ दिया था, क्योंकि हमें पता था कि ये दीवार के ऊपर कोई ना कोई स्टिकर लगने वाला है। हालांकि ये कोरोना के टाइम पे कोई भी कंपनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, कंपनी ज़्यादा स्टिकर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया, नहीं तो आप देख सकते हो ये सोफ़ी का स्टिकर है, ये क्लीन एंड क्लियर का स्टिकर है, हालांकि अमेज़न से भी मिलता है। और कुछ दिन बाद हमारा जो प्लान है, हम लोग थोड़ा ब्रांडिंग करेंगे अपना खुद का, तब आपको वो भी दिखाएंगे। हालांकि अभी मैं शॉप टूर इसलिए नहीं दे रहा हूं, ताकि अगर अब मैं आपको शॉप टूर दिखाऊंगा, पूरा शॉप दिखाऊंगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो मैं वो भी दिखा देता हूं। फिलहाल फिर भी मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूं, जैसे कि ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, यहाँ पर हम लोग सारा जो लंबे चीज़ है, बड़ा चीज़ है, वो रखते हैं, और ये जितने भी ग्रिल देख रहे हो, ये आप किसी भी अपने नज़दीकी जो लोहे की दुकान है वहाँ पे आप बनवा सकते हो अपने साइज़ के अनुसार, और उसे कलर भी कर सकते हो, जैसे ये हम लोग योलो में किया था। और ये हालांकि ये एक पैड का वो था, रैक था, उसमें से हम लोग निकाल के यूज़ किया है, और इसमें हम लोग कॉर्नफ्लेक्स वगैरह रखते हैं और सारे बड़े चीज़ ऊपर ऊपर रखते हैं। और आपको ये भी दिखाता हूँ, हम लोग इधर देखो, सारे जितने भी छोटे मसाले टाइप कुछ भी होते हैं ये अंदर रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक एक फॉर्चून ऑयल का जो पेटी है वो यूज़ किया है, ना कि इसके हम लोग कोई भी पैसे खर्च करके कुछ यूज़ नहीं किया, और ये करीब 5 साल से यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी अभी यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा ही रहता है, और कभी भी हमारे पास डेली के 1, 2, 3, 4 पेटी निकलता है, तो हम लोग इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हम लोगों ने ख़रीदा हुआ है 100 रुपये करके ये वाला जो नीचे का सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे चीज़ रखते हैं, अब देख सकते हो, और जितने भी बड़े चीज़ हैं वो हम लोग ऊपर रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सजाया है। तो दुकान का जो साइज़ है यहाँ से वहाँ तक है, उसके ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पर आप देखो हम लोग ये जितने भी चाल दाल देख रहे हो ये सारे यहाँ पर भी रहते हैं, और हमारे अंदर एक गोडाउन है जहाँ पे हम लोग ऑयल वगैरह और भी बहुत सारे चीज़ें रखते हैं, यहाँ पे हम लोग सारे चीज़ घुसा देते हैं। ये जगह हम लोग ज़्यादातर क्लीन रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ हम लोग बिस्किट का पेटी जितने भी होते हैं वो रखते हैं, और बिस्किट कोई भी हमारा रैक्स में नहीं रहता। और अभी देख रहे हो सारे चीज़ डिलीवरी जा रहे हैं, ये भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, वो पैकिंग कर रहा है सब कुछ डिलीवरी करने के लिए। और अभी टाइम जो हुआ है 1:30 बज चुके हैं, तो ज़्यादातर कस्टमर जो है हमारा, तो वो सुबह के टाइम पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ़ द सेल जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, थ्रू ऐप के थ्रू होता है, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आते हैं, या फिर कॉल पे लोग ऑर्डर करते हैं। व्हाट्सएप एंड ऐप, इसी दोनों से ही ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, तो हम लोग वही कर रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे हम लोग छोटे चीज़ रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो आप बड़े बड़े हम लोग कुछ डिस्प्ले के लिए लगा के रखे हैं, और यहाँ पे हम लोग छोटा मोटा जो हैंड वॉश पाउच है वो रखे हैं, और ये देखो छोटा छोटा, बहुत दिन पहले ये
पहले से हम लोग ये बाल्टी खरीदा था, और यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी चीज़ होते हैं ग्रॉसरी शॉप में छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ होते हैं जो आपको रखना होता है, तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे दिमाग में जो आया मैंने किया। इतना ज़्यादा बजट तो नहीं था। और ये जो ट्रे देख रहे हो ये हम लोग हालांकि 3-4 साल पहले ही लिया है, और ये जो नीचे है इसमें हम लोग सामान रखते हैं क्योंकि इसे हम लोग यूज़ नहीं करते। देखो हॉर्लिक्स है यहाँ पे, अमूलिया है, और यहाँ पे थोड़ा अमूलिया है, यहाँ पे भी थोड़ा सामान है, और ये जो अलग कलर का देख रहे हो इसे हम लोग बिन के तौर पे यूज़ करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ सामान आके रखा है, ये बिल हुआ नहीं है तो यहाँ पे रखे। तो इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा बहुत सजाया है। अगर आप बाहर से देखोगे कस्टमर के एंड से, मैं वो भी दिखाता हूँ, ये हमारा इन एंड आउट है। तो यहाँ से कस्टमर, ये जो जगह है ये कस्टमर का जगह है, बाहर से मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये भी कस्टमर का ही जगह है। यहाँ पे चावल वगैरह रखा हुआ है, इतना ये जो जगह है यहाँ पे कस्टमर खड़ा होता है, कुछ लोग यहाँ से खड़ा होता है, यहाँ से देखते हैं दुकान को, यहाँ से ऑर्डर देते हैं। और ये हमारा पैकिंग का सेक्शन है जहाँ पे पैकिंग किया जाता है। ये सारे जितने भी देख रहे हो सारे प्लास्टिक है साइज़ वाइज, और सारे सब में क्या है पता है, ये सारे जो कंटेनर है ये भी हम लोगों ने ख़रीदा नहीं है। ये 2 किलो का हॉर्लिक्स का कंटेनर है, कभी आता था तो ये अभी नहीं आता है, लेकिन ये पहले आता था। तो ये सारे कंटेनर है, और यहाँ पे हम लोग आटा रखते हैं। इसका आटा जितने भी है वो नीचे नहीं रखते क्योंकि आपको पता ही है कभी कब वो चूहा आके काट जाए, इसीलिए हम लोग आटा सारे ऊपर रखते हैं। और यहाँ पे हमारा कंप्यूटर पे यहाँ पे हम लोग बिलिंग करते हैं, और ये हमारा कस्टमर डेस्क है। ये कस्टमर का हम लोग खाली रखते हैं कस्टमर की बैग रखने के लिए, क्योंकि कस्टमर इस एंड पे खड़ा होता है और यहाँ से हम लोग सामान देते हैं और यहाँ तक आते हैं। कस्टमर अपना बैग यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे अपना सामान डालता है। और यहाँ पे देखो उसके हाथों के सामने ही हम लोग स्कॉच ब्राइट वगैरह रखा हुआ है, ये भी 10 रुपये वाला 15 रुपये वाला सामान रखा हुआ है। और ये ट्रे बहुत काम का है, अगर आपके पास नहीं है तो ये ट्रे वगैरह लो दुकान में, थोड़ा दिखने में भी अच्छा होता है, ऑर्गेनाइज लगता है। और ये हमारा काउंटर का लुक है, यहाँ से भी ये दिखता है ऐसे। ये सारे चीज़ मैं अपने आइडिया से निकाला हूँ, ठीक है। ये देखो जितने भी सैचेट होते हैं यहाँ पे हम लोग इस तरह से लगा के रखे हैं, ये सारे मसाले हैं, सैचेट मसाले हैं। आप इस तरह की चीज़ें अपने हिसाब से, नियरेस्ट कोई भी जो लोहे का काम करता है, ग्रिल का काम करता है, वहाँ पे आप बना सकते हो, बनवा सकते हो आसानी से। ये देखो ब्रास को हमने कैसे लगाया है, बहुत दिन पहले, ये 8 साल से ही है, पहले ही मैंने इसके नीचे एक ऐसा बनवाया नहीं था, ये एक वो है ट्रे था, ग्रिल का ट्रे था, तो मैंने उसको ऐसे लगाया, और ऐसे ऐसे लगाना है झूला, मतलब टांग के रखना अच्छा लगता है दिखने में, तो वैसे कर दिया। शैम्पूस भी ऐसे ही हम लोग रखते हैं, देखो देख रहे हो ना। तो इस तरीके से थोड़ा और भी सजाएंगे, तब आप लोगों को और भी दिखाएंगे कैसे करना चाहिए, कैसे आपके शॉप को मेंटेन करना चाहिए, डेकोरेट करना चाहिए। कुछ दिन बाद थोड़ा टाइम मिलते ही मैं खुद करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा भी। तो पूरा शॉप देख लो, इस तरीके से आप लोग शॉप बना सकते हो। बहुत सारा सामान अभी लगाया नहीं गया है। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये जो नेस्ले का सामान आप देख रहे हो इसके लिए हमें पैसे मिलते हैं पर मंथ, नहीं पर 3 मंथ, मुझे 1500 मिलते हैं, और अच्छा ही है। और ये देखो पीछे जैसे स्टिकर आ रहे हैं ना, सारे कंपनी का वो स्टिकर आते हैं, तो जब आपके दुकानों पे वैसे स्टिकर लग जाएगा ना, वो दिखना ही अलग हो जाएगा। ये जो बीट है ये आप अपने ब्रांड के अनुसार, आप कोई भी स्टिकर आपको अमेज़न में मिलेगा वो लगा सकते हो। कुछ दिन बाद मैं वही करूँगा सारा। जैसे ये अंदर देखो कितना ख़राब दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा, वैसे यहाँ पे स्टिकर लगा के इतना सुंदर दिखेगा, सब वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग पैकिंग वगैरह भी करते हैं, देखो ये कस्टमर के एंड से, हम लोग जो पैकिंग करते हैं वहाँ से ऐसा दिखता है, और जो बिलिंग करते हैं वहाँ से हम लोग बिलिंग करते हैं, जैसे वो अभी कुछ कर रहे हैं। कुछ निकाल रहे शायद। तो
इस तरीके से आप अपने शॉप को मॉल जैसा सजा सकते हो कम बजट में। अगर बजट कम है तो उस तरीके से आप सजा सकते हो। तो ये एक शॉप टूर ही हो गया आप बोल सकते हो, और एक नेक्स्ट शॉप टूर आपको देंगे, तब थोड़ा सजा के सारे चीज़ें लगा के मैं आपको शॉप टूर दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।